56 साल बाद शहीद आर्मी नारायण सिंह का पार्थिव शरीर मिला। जब 56 साल बाद शहीद आर्मी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचा तो परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका था। इस वीडियो को अंत तक बने रहे, कहानी सुनकर आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। उत्तराखंड का चमोली का आर्मी जवान नारायण सिंह बिष्ट आज से 56 साल पहले ही देश की रक्षा करते हुए विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। शहादत से परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका था, लेकिन जवान का अभी तक पार्थिव शरीर को बाहर निकाला नहीं गया था। 56 साल पहले यानी 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना का AN-12 विमान 6 क्रू सदस्यों के साथ चंडीगढ़ से उड़ान भरकर लेह पहुंचा था, ताकि भारतीय सेना का जवानों को लेह से चंडीगढ़ वापस लाया जा सके। जवानों को लेकर विमान ने लेह से उड़ान भरी, लेकिन चंडीगढ़ की ओर बढ़ते समय खराब मौसम की वजह से विमान रोहतांग दर्रा में ढाका ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान का दुर्घटना में सवार सैनिकों को खोज के लिए भारतीय सेना का अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान समेत तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू और डोगरा स्काउट के कई बार खोज अभियान चलाया। साल 2004, 2007, 2013 और 2019 में जवानों की तलाश में विशेष अभियान को चलाया गया। वही साल 2019 में सेना का 5 जवान का अवशेष भी मिले थे, लेकिन बताया तो जाता है कि अब साल 2024 में 4 अन्य जवान का अवशेष मिले हैं, जिनमें से एक उत्तराखंड चमोली जिले के रहने वाले नारायण सिंह बिष्ट भी शामिल थे। नारायण सिंह बिष्ट आर्मी मेडिकल कोर में तैनात थे। जानकारी के मुताबिक उनकी नेम प्लेट और बरामद दस्तावेजों के आधार पर उनके नाम और उनकी पत्नी बसंती देवी के नाम की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को 2 अक्टूबर को उनके पैतृक गाँव कोलपुरी लाया गया। बताया तो यह जाता है कि शहीद आर्मी नारायण सिंह का पार्थिव शरीर 56 साल बाद उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे गांव भारत माँ के जयकारे के साथ नारायण सिंह अमर रहे के नारे से पूरे इलाका गूंजते रहे। शहीद के परिजनों ने बताते हैं कि नारायण सिंह की शहादत गांव के लिए गौरव की बात है। सेना के 56 साल बाद भी शहीद के खोजबीन पर उनके पार्थिव शरीर को उचित सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दिया गया। परिजनों कहा कि शहीद नारायण सिंह का विमान दुर्घटना में लापता होने के बाद उनकी धर्मपत्नी बसंती देवी और शहीद नारायण सिंह का पिता महेंद्र सिंह का जीवन भावग्रस्त बीता। हालांकि बाद में बसंती देवी ने अपने देवर से ब्याह कर लिया। साल 2011 में उनका भी निधन हो गया। शहीद की पत्नी बसंती देवी के 2 बेटे हैं, जिनमें से सुजान सिंह ने शहीद नारायण सिंह का पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दिया। यह दृश्य देखकर सभी को आंख नम हो गया। बताया जाता है कि सेना का जवान नारायण सिंह बिष्ट आज से 56 साल पहले ही देश के लिए सेवा दे रहे थे, लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त में जवान लापता हो गए थे, जवान शहीद हो गए थे। आज से 56 साल बाद शहीद जवान का यानी 2 अक्टूबर को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों के जनसैलाब उमड़े थे। सभी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद नारायण सिंह बिष्ट तेरा नाम रहेगा, नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक किला का सभी लोग नम आंखों से अंतिम विदाई दिया।